हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 14 फरवरी 2021 को CGPSC छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने जो सिविल सेवा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा दे रहे हैं छात्रों के लिए, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वर्षों में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक सीरीज लेकर आया हूँ, जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, और जो पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि आप चाहे जितना भी पुस्तकें पढ़ लें, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लें, चाहे कितना भी आप और चीज़ें पढ़ लें, लेकिन जब तक कि आप MCQ नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर का MCQ नहीं करेंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो जो हमारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने की जो सबसे आखिरी सीढ़ी है वह है, जो चरम अवस्था है जो हमारी तैयारी का, वह है MCQ। तो इसे MCQ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसके बिना आप कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक या क्लियर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम इस सीरीज में जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2003 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका 2 पार्ट ला चुके हैं, और यह जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जो 2003 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका यह 3रा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन होता है उसे दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप जो है महत्वपूर्ण जानकारियों से सराबोर होते रहें और आपको फ़ायदा होता रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको एक PDF फाइल और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 9806542217 से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि जो यह जो CGPSC 2003 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका यह 3रा पार्ट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विम्बलडन में जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि जो कोई भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके लिए प्रथम, अंतिम और बीच का 10, 20, 30 साल का जो एक इवेंट रहता है, एक मेमोरी रहता है, उसे अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है विम्बलडन में जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन है? तो फिर यहाँ पर विकल्पों में है दिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, एक के कलेश्वरी मल्लेश्वरी और अंजलि भागवत। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है विम्बलडन में प्रथम भारतीय महिला जो जीती थी वह थी सानिया मिर्जा। तो दोस्तों, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है, किसी महिला का परिचय कराते हुए, ये दोस्तों यहाँ पर सी सेट का सवाल आ गया है, क्योंकि जो पहले जो CGPSC का जो एग्ज़ाम होता था वो 75% का हुआ था, जो 2003 में सबसे पहली बार हुआ था। और इस समय जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अभी की जिस तरह जो GS और सी सेट को अलग करके पूछते हैं, 2 प्रश्न पत्र पूछते हैं, उस टाइप का सिस्टम नहीं था, और इसीलिए इसमें जो 75 प्रश्न पूछे गए थे उसके अंतर्गत ही या जो है सी सेट को समाहित कर दिया गया था। तो इसी में है। तो देखते हैं कि किसी महिला का परिचय कराते हुए एक व्यक्ति ने कहा, इसकी सास मेरी सास की इकलौती पुत्री है, व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप आराम से इसको सॉल्व करना, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ GS का करा रहा हूँ, तो वैसे मैं इसका आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है, फिर आप इसको आराम से इसको सॉल्व करना पेन कापी ले करके। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका आंसर है पिता। तो आप इसे देखेंगे पिता कैसे होगा, इसे आप पेन कापी लेकर के आराम से करना। यहाँ पर सिर्फ हम GS करेंगे, और जो CSET से संबंधित जो प्रश्न है, जो CSET पूछे गए हैं, उसका क्लास मैं अलग से लेकर आऊँगा, जो आपको एक बेहतरीन फार्मूला
शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल से निरंतर जुड़े रहना। आगे बढ़ते हैं, फिर है श्रेणी पूरा करें, तो यहाँ पर है 3, 9, 18, 27, 36 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आपको दिखाना है कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर होगा 45, जो कि इसका आंसर होगा, तो आप इसे याद रखें, इसको आप पेन कॉपी लेकर सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिर है किसी संख्या का वर्ग 7, 3, 9, 6 है, मतलब 7,396 है, तो किस संख्या का है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो किस संख्या का वर्ग है जो 7,396 है, तो वह है 86। तो दोस्तों आप इसे घर आराम से करना पेन कॉपी लेकर के, कि किस पर कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर है भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए, तो यहाँ पर देखिए भिन्न व्यक्ति को इंगित कीजिए, तो यहाँ पर देखते हैं जो है बढ़ई, मोची, मिस्त्री, लेखक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बढ़ई, मिस्त्री, मोची, मिस्त्री, तो देखो देखिए दोस्तों यहाँ पर भिन्न कौन सा हो सकता है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो बढ़ई है, मोची है, मिस्त्री है, यह एक कारीगर के अंतर्गत आता है, और जो लेखक है यह एक अलग ही तरह का एक व्यवसाय है, इसलिए यहाँ पर जो भिन्न है वह कौन सा है, लेखक है, इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर एक हवाई जहाज़ 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी प्रारंभ में दूरी 1138 किलोमीटर है, टकराने के ठीक 30 सेकंड पहले उनकी दूरियां क्या होगी? तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इसका आंसर क्या होगा ये बता देता हूँ, फिर आपको सॉल्व करना है इसको कि इसका आंसर कौन होगा। और आप चिंता मत करिए कि मैं ज्योतिष से संबंधित जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसका भी एक सीरीज लेकर आऊँगा, तो आप बने रहें और फिलहाल इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखें। चलते हैं, फिर है यदि वीनस मरकरी से अधिक चमकदार है और मरकरी जुपिटर से अधिक चमकदार नहीं है, जुपिटर वीनस से अधिक चमकदार है किंतु प्लूटो से अधिक चमकदार नहीं है, तो सबसे अधिक चमकदार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर विकल्पों में इसका आंसर होगा प्लूटो, तो इसे आप देखें और इसके हिसाब से आप अपना क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करके देखें। आगे बढ़ते हैं, फिर है क्रम 999, 984, 320, 995 में छोड़ी गई संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा 967, इसे देख याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं? यह कहा जाता है कि मनुष्य बुद्धिमान होते हैं और उनमें पुरुष होते हैं, इससे लगता है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती, कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है, कुछ महिलाएं पुरुष बुद्धिमान नहीं होते हैं, और कुछ जो है मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसे याद रखें, ये एक सिरोजम वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर इसका है सी, एक भी सही नहीं है। तो इसे इसकी इसका आंसर एक भी सही कैसे है, तो इसे आप सॉल्व करके ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं 900 मीटर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, तो अंतिम रूप से वह किस दिशा में चल रहा है? तो दोस्तों यह डायरेक्शन वाली क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर है उत्तर की ओर, तो इसे आप सॉल्व करें कि उत्तर किस प्रकार होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर है वर्ष 2003 का जो नोबेल शांति पुरस्कार खालिस्तान को दिया गया है, किसको दिया गया था? तो सूकी को, जॉर्ज बुश को, शिरीन एबादी को, कोफी अन्नान को। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्ष 2003 का नोबेल शांति का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आपका आंसर है शिरीन एबादी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2003 में जो नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था, इसको लेकर आपको टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको याद करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन जो 2020 में जो नोबेल पुरस्कार, जो शांति का नोबेल पुरस्कार और जो अन्य जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, जो मेडिकल में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और जो अन्य पुरस्कार इकोनॉमिक में, तो
तो उसे याद रखें कि किसे मिला था, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से कोई जो CGPSC का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उस हिसाब से ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो 2019 तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2020 में जो क्या बोलते हैं जो नोबेल पुरस्कार मिला था जितने सभी क्षेत्रों में, तो उसे आप एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, फिर है भारत के नाभिकीय कमान की बागडोर खालिस्तान के हाथों में होती है। तो यहाँ पर जो भारत की जो नाभिकीय कमान की बागडोर किसके हाथों में होती है, भारत के राष्ट्रपति के, भारत के रक्षा मंत्री के, थल सेना अध्यक्ष के और भारत के प्रधानमंत्री के। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के जो नाभिकीय कमान की बागडोर होती है वह भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। आगे बढ़ते हैं, फिर है अनुपम खेर खालिस्तान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों जो अनुपम खेर है वह किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसका आंसर है सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इसे याद रखें और देख लें कि जो सेंसर बोर्ड का जो वर्तमान अध्यक्ष है वह कौन है, तो इसे भी याद रखें, क्योंकि हो सकता है अभी पूछ ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2003 में इसको क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो इसे अभी नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों जो सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष है ना वर्तमान में जो तो अनुपम खेर 2003 में थे तो उसका क्वेश्चन था, और अभी जो वर्तमान में कौन है तो इसे आप याद रखें, ताकि आप जैसे अभी कोई एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है दिया जाएगा तो आप इसे याद रखें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूं कि जो सेंट्रल बोर्ड अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह है प्रसून जोशी है, और जो सेंसर बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वह 1951 में हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर है एडमिरल गोर्स को क्या है क्या था। तो एक विमानवाहक पोतक है, हिटलर का नौसेना प्रमुख है, एक अणुचालित पनडुब्बी है, एक विमान भेदी तोप है। तो दोस्तों जो एडमिरल गोर्स को है वह है एक विमानवाहक पोत है, तो इसे याद रखें। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के जो और इम्पोर्टेंट है जो INS कलवरी है और जिस अन्य संबंधित जो है सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित है, रक्षा प्रौद्योगिकी संबंधित है, उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्द आते हैं उसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर पूछा है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन पदस्थ किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है माता प्रसाद, विनोद वैश, सतीश चौबे, PC सेन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है UPSC के जो अध्यक्ष है उसे वह कौन थे 2003 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है UPSC के जो अध्यक्ष थे 2003 में वह थे माता प्रसाद, और लेकिन यह अभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो वर्तमान में जो UPSC के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर जो UPSC के जो प्रेजेंट अध्यक्ष है उसमें एक प्रदीप कुमार जोशी जो कि है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के जो है प्रथम अब वर्तमान में अध्यक्ष है, तो इसे आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, फिर है NEA से संबंधित है, NEA से आशय है क्या है, नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, नेशनल इवेंट ऐसे एसोसिएशन। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPAPA में इस प्रकार की जो क्या बोलते हैं जो संक्षिप्त में जो शब्द उसका एब्रिवेशन रहता है उसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है NE और A, तो NE क्या है, तो NE जो है वह एक नेशनल इंक्वायरमेंट अथॉरिटी है, तो इसे याद रखें। फिर है DRDO द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्पों में है नाग, त्रिशूल, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है त्रिशूल, DRDO द्वारा जो है त्रिशूल
मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है, इसे याद रखें। फिर है वर्ष 2003 के लिए बुकर प्राइज खालिस्तान को दिया गया है। किसको दिया गया है? मोनिका अली, मार्गरेट एडवुड, डी बी सी पियर, जो टेलर। तो दोस्तों यहाँ पर बताइए कि जो 2003 का जो है बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2003 का जो बुकर प्राइज है उसे वह प्रदान किया गया था मार्गरेट एटवुड को। तो दोस्तों और इसी के संबंध में जैसे बता दूँ कि जो 2020 का जो बुकर प्राइज है वह है सूजी बेन को प्रदान किया गया है। तो इसे भी याद रखें, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उस हिसाब से जो अभी वर्तमान में जो क्या बोलते हैं जिन्हें यह जो दिया गया है उसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा, क्या रखा? तो दोस्तों बाबर रखा, हुमायूं रखा, जहांगीर रखा और बहादुर शाह रखा, क्या रखा? तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन जो मोहम्मद ने क्या नाम रखा, तो वह थे बाबर रखे, याद रखे इसे। फिर है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला है। तो दोस्तों मैंने जैसे भी पहले ही वीडियो में बताया था कि जो प्रथम होती है, अंतिम होती है और बीच का 10-20-30 साल वाला होता है उसे अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वह है सरोजिनी नायडू, जो कि किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। फिर आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश खालिस्तान की अवधि में शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्पों में है 319 से 500 ईस्वी तक, 319 से 324 ईस्वी तक, 325 से 375 ईस्वी तक और 566 से 597 ईस्वी तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गुप्त वंश ने जो शासन किया था वह अवधि था 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया था। और दोस्तों आपको बता दूं कि जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह श्री गुप्त था, तो इसे भी याद रखें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि गुप्त वंश ने अवधि में किस अवधि में शासन किया था, तो 319 से 500 ईस्वी के बीच में शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो भारत वर्ष 2003 के लिए जो बुकर प्राइज को दिया था, तो वो तो मार्गरेट एटवुड था, लेकिन मैंने जो 2020 में जो बुकर प्राइज दिया गया था वह थे सूजी बेन बताया था, लेकिन दरअसल जो सूजी बेन है वह सूजी बेन बुक का नाम है और जिन्हें प्राइज दिया गया था वह डगलस स्टुअर्ट है, जिन्हें सूजी बेन के लिए दिया गया था। तो याद रखें जो 2020 का जो बुकर प्राइज विजेता है वह डगलस स्टुअर्ट है, और जो किसके लिए दिया गया था, तो वह थे सूजी, जो उनका एक बुक है सूजी बेन, उसके लिए दिया गया है। तो इसे याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विकल्पों में है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ और जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों जो अशोक की शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वह था जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहली बार पढ़ा। तो दोस्तों इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं। फिर है किसके शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया गया था? तो यहाँ पर विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम के समय, समुद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, स्कंदगुप्त के समय। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हुनों ने जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रथम भारत पर हमला किया था, तो इसे याद रखें। नहीं मतलब दोस्तों यहाँ पर प्रथम नहीं है, जो है जो
किसके शासनकाल पर पूछा है, तो जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। फिर बढ़ते हैं, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक भारत की महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यता है, जो भारत की जो सांस्कृतिक जो धरोहर है उससे काफ़ी संबंध है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में कौन कौन भारतीय जुड़ा था। तो विकल्पों में राखालदास बनर्जी एवं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव रंगनाथ राव और माधव स्वरूप तथा बी वी राव। दोस्तों यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो दो जो भारतीय इसमें से जुड़े थे वे थे राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थी। तो दोस्तों इसे याद रखें। और दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा स्थल की खोज की थी, और जो राखालदास बनर्जी थे वे थे मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। तो इसे भी याद रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। कौन थे, बलबन थे क्या, अलाउद्दीन थे क्या, मोहम्मद बिन तुगलक थे क्या, इल्तुतमिश थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो नया धर्म जो सुल्तान चलाना चाहता था वे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसे याद रखें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो वर्ष 2003 में 75 प्रश्न पूछे गए थे और जिन्हें मैंने 3 पार्ट में एमसीक्यू पूरा आपके सामने रखा है, तो आप इसे अच्छे से बार बार देखें ताकि आपको एमसीक्यू के बहाने आपको जो फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं इम्पोर्टेंट वो भी आपको याद रहे। और जो आप मैंने आप एक्स्ट्रा जो बताया था जो करेंट एग्ज़ाम के लिए प्रेजेंट एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी जो फैक्ट्स बताए हैं उसे भी आप अच्छे से याद कर ले या नोट डाउन कर ले कहीं पर, ताकि आपको वो एग्ज़ाम में फ़ायदे दे सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं। और ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं।